जी मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मियाली रजा और आप देख रहे हैं प्रैक्टिशनर डेयरी कैटल। आज हम आपको बताएंगे कि साइलेज जो होता है, साइलेज जिसे मकई का अचार भी कहते हैं, वो उसका क्या तरीकाकार है, कैसे उसको बनाते हैं, या जब हम इसकी आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि साइल और इसमें ये बताएंगे कि साइलेज बनाना क्यों ज़रूरी है, ये भी बताएंगे साथ, ठीक है। और ये होता है साइलेज, सबसे पहले तो ये आप देख सकते हैं ये एक बंकर है, ये जिसके अंदर ये साइलेज बन रहा है इसे बंकर बोलते हैं, ठीक है। साइलेज के लिए जहाँ पे साइलेज तैयार होता है उस जगह को बंकर बोलते हैं, ठीक है। अब आपने आए हम आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने ये नीचे दीवारों के साथ नीचे तक ये डालना है, शॉपर डालना है, ठीक है। ये इसके नीचे भी ये जो ऊपर ये डाला हुआ है चारा जो चॉप हुआ हुआ इसके इसके ऊपर डाला हुआ है, ठीक है। और इस वजह से ये टोटल आप देख लें कि आपने इस तरीके से इसको इस दीवार में राइट साइड में भी लेफ्ट साइड में भी और जो फ्रंट है इसका कह लें या बैक कह लें, ये जो इसका ये फ्रंट ही बनेगा सामने से अगर देखेंगे तो ये साइड भी आपने अच्छे तरीके से इसको कवर करना है, ठीक है। अच्छे तरीके से आप इसको चारों तरफ से कवर करेंगे, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप कि सारा हमने अच्छे तरीके से इसको कवर किया है, ठीक है। अब ये है कि साइलेज क्यों ज़रूरी है, किस लिए हम बनाते हैं। जैसा कि आपको पता भी होगा और जिनको नहीं पता होगा उनको पता चल जाएगा इस वीडियो के अंदर कि साइलेज बनाना क्यों ज़रूरी है। इसमें एक होता है कि जो ग्रीन फूडर होता है कोई भी, जैसे आप आजकल के दौर में आज बरसीम जिसे कहते हैं या कुछ बरसीन कहते हैं, ठीक है, वो चारा आजकल ज़्यादा पाया जाता है, जो भी सीज़न जा रहा है सर्दी का इसमें होता है, और उसमें 80-85% मॉइस्चर होता है। उससे क्या होता है कि जानवर को जो रिक्वायरमेंट है, एनिमल की जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की, जो उसे डाइट चाहिए, मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू जिसे कहते हैं, वो जो चाहिए उसको उससे खाली नहीं मिलती, ठीक है। चूँकि जो पानी होता है वो जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट से निकल जाता है, जैसे आप यूरिन से कह लें, आप गोबर से कह लें, मतलब पेशाब और गोबर से जो है ना वो पानी निकल जाता है जानवर को, जो एक्चुअली चाहिए होती है न्यूट्रिशन वैल्यू वो नहीं मिलती। अब इसमें यह है कि प्रोटीन वैल्यू भी मिलती है, साइलेज बनाने का मकसद ये है कि ड्राई मैटर मिल जाता है, एनर्जी मिलती है इसमें, ठीक है। अब इसको डंप करते हैं, इसके बाद क्या होगा प्रोसेस, ये जैसे ये ढेर लगा हुआ है आप देख सकते हैं, इसको फिर ट्रैक्टर के साथ एक सीधा किया जाएगा, इसको पूरा ऐसे एक इसका बेड बना दिया जाएगा, ठीक है। जब बेड बना दिया जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि ट्रैक्टर के साथ इसकी प्रेसिंग की जाएगी। ये एक मशीन है, वो सामने आपको नज़र आ रही होगी, ये मशीन है जो आप जिससे ये चॉप होता है साइलेज, इससे ये मशीन के ज़रिए इसको चॉप किया जाता है और उसके बाद इसकी इसको लेवल करके एक बेड बना के ऊपर से इसके ट्रैक्टर से प्रेसिंग शुरू हो जाती है। अब सबसे जो नहायत ही ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि इसकी प्रेसिंग सबसे अच्छी होनी चाहिए, जितनी अच्छी प्रेसिंग होगी उतना अच्छा आपका ये साइलेज बनेगा, ठीक है। अगर उसमें प्रेसिंग अच्छी नहीं होगी क्या होगा, एयर रह जाएगी, एयर रहने की वजह से क्या होगा, साइलेज आपका ख़राब होगा, उसमें फंगस लग जाएगी जिससे उल्ली भी बोलते हैं लोग, ठीक है। और सेकेंडली इसको जब बिल्कुल आपने साइलेज आपका तैयार हो जाना है, आपकी कंपैक्शन यानी प्रेसिंग हो जानी है, उसके बाद ये शॉपर जो होता है इसको ऊपर उसके डाल देना, ऊपर से भी अच्छे तरीके से इसको पैक करना है ताकि इसमें कोई पानी वगैरह नमी वगैरह ना जाए और एयर वगैरह ना जाए। अगर नमी और एयर जाएगी तो क्या होगा कि आपका साइलेज ख़राब हो जाएगा, जिन लोगों का अक्सर साइलेज गंदा हो जाता है, ज़्यादा गंदा निकलता है, ठीक है, उल्ली लगी हुई होती है, फंगस लगी हुई होती है, वो क्या होता है कि उसमें पानी या उसकी प्रेसिंग अच्छी नहीं होती। ये एक बहुत चीज़ ज़रूरी है साइलेज बनाने के लिए कि इसकी प्रेसिंग होना बहुत ज़रूरी है, कि अच्छे तरीके से इसकी प्रेसिंग हो और अच्छे तरीके से इसको ऊपर से कवर कर दिया जाए, ढांप दिया जाए, ठीक है। अब इससे ये एक और जो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है साइलेज का कि आपकी लेबर जो है वो कम हो जाती है। अगर आप सोचें कि अगर आप डेली बारिश से फोडर काटते हैं इतनी बल्क क्वांटिटी में तो वो भी आपके लिए नहीं पूरा हो सकता, क्योंकि एनिमल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। ये इसमें ड्राई मैटर ज़्यादा रहने की वजह से जानवर को कम मकदार भी आप डालें। अगर आप हम आम जानवर की बात करें, जैसा कि लोकल एनिमल है जो गाँव वगैरह में देहातों में होते हैं, अगर उनको ये हम साइलेज डालें वो ऑलमोस्ट 18-20 kg खाएँगे, ठीक है,
24 आवर्स में 25 केजी कर ले मैक्सिमम, ठीक है। और जो इम्पोर्टेड एनिमल है, जो बाहर से हम एनिमल मंगवाते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, वो एनिमल 35-40 केजी वो ये खाता है। बाकी इसमें थोड़ा बहुत ग्रीन फोडर डालते हैं और दूसरी चीज़ें जो है ना वंडा वगैरह वो चीज़ें इसमें डालते हैं, ठीक है। तो साइलेज इसके लिए नहाय ज़रूरी है कि इससे ये क्या होता है कि एक तो जैसा ये सीज़न आ रहा है, बारिशों का मौसम होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपको बाहर से चारा नहीं काटा जा सकता क्योंकि फसलों के अंदर पानी खड़ा जाता है, उस वक्त भी आप साइलेज को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मैंने बताया था आपको कि इसमें आपकी जो लेबर है वो कम हो जाती है, थोड़े बंदों से थोड़े लोगों से आप ज़्यादा काम ले सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है उसके बाद फीड को उखाड़ना है, ठीक है, और उसके बाद भरना है और जानवर के आगे डाल देना, ठीक है, और फिर इससे आपकी जानवरों की मिल्क प्रोडक्शन यानी दूध की जो एवरेज है वो बढ़ जाती है, जानवरों के दूध में इजाफा हो जाता है क्योंकि उनको अच्छी प्रोटीन वाला और ड्राई मैटर और अच्छी एनर्जी इससे मिल जाती है, जिस वजह से एनिमल की हेल्थ भी अच्छी होती है और उसकी प्रोडक्शन यानी दूध भी बढ़ता है, ठीक है। तो इसलिए साइलेज बहुत ज़रूरी है, इसकी अहमियत इस वजह से ही बहुत ज़्यादा है कि इसमें जो है ना आपको बड़ी आसानी हो जाती है, मैनेजमेंट आपकी आसान हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा अगर डेयरी फार्म की बात की जाए तो साइलेज के अलावा डेयरी फार्म नहीं चल सकता। ये था हमारा आज का बड़ा मेन टॉपिक कि साइलेज के बड़े मसले मसाइल लोगों को आते हैं। तो अगर हाँ, इसमें एक और बड़ी ही अच्छी बात है कि जैसे हम ये साइलेज बनवा रहे हैं, हमने अपना बंकर बनाया है, उसमें अब हम क्या करते हैं कि ये जो अदारा है, जो कंपनीज हैं मुख्तलिफ जो साइलेज बनाती हैं, इनकी अपनी मशीन होती है, ये खुद ही फॉर्डर, हम क्या करते हैं कि इनसे डील कर लेते हैं कि हमें इनसे रेट हमारा तय हो जाता है, उसमें इन्होंने ईच एंड एवरी थिंग इन्होंने कर दिया, हमने जस्ट शॉपर ऊपर डालना होता है और कोई चीज़ नहीं ही डालनी पड़ती, ठीक है। तो इसमें ये बड़ी आसानी हो जाती है कि आपको घर बैठे बैठे सारा कुछ मिल जाता है। और सेकेंडली, जो आप बाज़ार से ख़रीदते हैं बेल्स में, जो टन की बेल होती है या छोटी होती है, मुख्तलिफ साइज़ की बेल्स अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन उसमें रेट उसका और इसमें बहुत फ़र्क हो जाता है। जो आप ख़ुद बनाते हैं इससे आपको बहुत इकोनॉमिकल रेट मिल जाता है। सीज़न में तो ये आलमोस्ट 5-6 रुपये के जी आपको कॉस्ट करता है, जब आउट सीज़न हो तो फिर 7-8 रुपये तक ये चला जाता है। डिपेंड करता है कि मार्केट में मकई का रेट क्या है, जो चारा मकई का है, फॉर्डर है, उसका रेट क्या है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये अगर आप उस सीज़न में भी बात करें, अगर आप बाज़ार से लेते हैं तो आलमोस्ट 10 रुपये के जी, 12 रुपये के जी मुख्तलिफ है, उस पर आपके एक्सपेंस आते हैं अदर जो है ट्रांसपोर्ट के, वो उसमें ऐड होते हैं और बहुत ही कॉस्ट चली जाती है, चूँकि सबसे बल्क क्वांटिटी में एनिमल्स को साइलेज डलता है, फॉर्डर जो है साइलेज यूज़ होता है डेयरी के अंदर। तो उसमें आप अगर इसकी कॉस्ट भी निकालेंगे तो आपको ये बहुत फिजिबल पड़ेगा जो आप ख़ुद बनवाते हैं, ठीक है। और फिर आपके सामने होता है कि मकई आप चेक कर लेते हैं, फॉर्डर चेक कर लेते हैं, उसके बाद आपको आपके सामने हर चीज़ तैयार होती है, आपको पता होता है कि इसमें हमने क्या डाला है। जो आपने बाज़ार से लेना है उसका आपको पता नहीं है कि उसमें उन्होंने क्या डाला हुआ, क्या नहीं डाला हुआ, कैसी क्वालिटी है, ठीक है। एक तो रेट ज़्यादा था, क्वालिटी का इशू होता है। और ये बड़ा मेन टॉपिक था आज का साइलेज के हवाले से, इसकी डेयरी फार्म में बहुत अहमियत है, इससे ही आप अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। हम अपने उसको दीजिएगा इजाज़त, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हामी नासिर।